हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दीपावली की तैयारियां सभी के घर में जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में हम घर की सफाई तो करते ही करते हैं, साथ में अपने भगवान जी को, जो जिनकी पूजा होती है दीपावली पे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ठाकुर जी, तो इनको भी हम अच्छे से नहला धुलाकर एकदम साफ करके और नए नए कपड़े पहनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये गणेश, लक्ष्मी जो हैं और कुबेर जी, ये ऊपर से थोड़े सा धूल सी जम गई है इनके, तो इनको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको साफ़ करना बताऊंगी। एकदम कम खर्च में, कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, एक भी रुपया नहीं खर्च होगा, और घर में रखी चीज़ों से आप इनको बहुत आसानी से एकदम सोने चांदी के जैसा चमका सकते हैं। साथ ही साथ जो पूजा में बर्तन यूज़ होते हैं, पीतल के या फिर तांबे के, इनको भी एकदम बिल्कुल ऐसा बना देंगे कि बिल्कुल अभी मार्केट से आप बिल्कुल न्यू लेकर आए हैं, वो भी एकदम आसानी से। आपको घंटों घिसने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल एक मिनट लगेगा और ये एकदम अच्छे से बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो आपको बता रही हूँ मैं एक बहुत ही सीक्रेट तरीका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की शेयरिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और सबके घर में भी अवेलेबल रहता ही रहता है। और उसके साथ साथ एक बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है नमक। तो यहाँ पर 3 से 4 बर्तन मैं साफ़ करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया है। आप अगर ज़्यादा बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं, जैसे 3-4 चम्मच आप डालिए साइट्रिक एसिड और खूब सारा पानी इसमें डाल दीजिए और बर्तनों को डिबो के रख दीजिए इसके अंदर। और फिर देखिए आप कितनी आसानी से बिना घिसे ये बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो आप प्लेट को देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला है इसका कलर एकदम से चेंज हो गया। बस इसको थोड़ा सा निकाल के हम स्क्रबर से रब कर लेंगे और ये हो जाएगी बिल्कुल नई जैसी, बिल्कुल अभी से, मतलब बिल्कुल नए बर्तन हम तांबे के लाते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल वैसे ही चमकेगी। आप अभी देखना, बस 1-2 मिनट इसको भीगे रहने देते हैं पानी के अंदर। तो 1-2 मिनट हो चुके हैं, आगे और पीछे से दोनों तरफ से ये एकदम चमक चुकी है और बस इसको थोड़ा सा रब करने की ज़रूरत है। इस पर जो काला काला जो निशान है वो भी आसानी से साफ़ हो जाएगा। और इसको भी, ये जो पानी का बर्तन है, लोटा है, इसको भी हम थोड़ा सा रब कर लेंगे। रब करने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, एकदम चमक उठे हैं ये दोनों बर्तन। तो इसी तरीके से आप अपने भगवान जी के बर्तन, तांबे, पीतल, कांसे, किसी भी चीज़ के होंगे, वो आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो कितना कमाल का आइडिया है ये, तो आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई में वैसे ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और हम सोचते हैं कि कैसे हमारा काम आसान हो जाए, तो इस तरीके से आप बर्तन साफ़ करिए भगवान जी के, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और ये लोटा थोड़ा अंदर से साफ़ नहीं लग रहा है अभी, तो ये जो पानी बचा हुआ है इसमें, बाउल में, ये इसको भरकर हम 5 मिनट के लिए इसको और रख देंगे, तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये लोटा आप अंदर से भी देख सकते हैं कि एकदम साफ हो चुका है। बस थोड़ा सा रब कर देंगे इसको स्क्रबर से, तो अंदर से भी एकदम चमक उठेगा। ठीक इसी तरीके से मैंने ये पीतल की मूर्ति जो होती हैं गणेश, लक्ष्मी जी की, उनको भी इसी साइट्रिक एसिड और नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। और आप पहले और उसके और अब दोनों को कंपेयर करके देखिए, एकदम नई जैसी लग रही हैं और इसको मैंने बिल्कुल भी घिसा नहीं है, ना ही रब किया है। और पानी में डालने के बाद आप देखिए, ये बिल्कुल नई जैसी लगने लगी। इसी तरीके से आप अपने घर पर रखे हुए सिल्वर के या फिर पीतल के भगवान जी को भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको पसंद आई हो आज की शेयरिंग तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इस घोल से आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेंगे, एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। और इस तरीके से मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और पीतल का और तांबे का कोई भी सामान आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।